पोली हाउस सेडनेट हाउस स्कीम 2023-24 के लिए। वास्तव में ये जो योजना है, यह योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए है और ये नाबार्ड के तहत उद्यान विभाग की ओर से किसानों को दी जाएगी। ये जो योजना है ये सब्सिडी में है, मतलब 50% से लेकर 70% तक रहता है। वो जो है किसान के वर्ग, मतलब कैटेगरी पर निर्भर करता है, जैसे ST हैं, SC हैं या OBC हैं या सामान्य वर्ग हैं। अब ये जो किसानों को सेड हाउस दिया जाता है वह कुछ इस तरह से होता है। हालांकि यहाँ सेड का जो कलर होगा वह सफ़ेद भी हो सकता है और जो डिज़ाइन होता है अधिकतर ऊपर की ओर फ्लैट होता है। और अगर पोली हाउस लेते हैं तो वो तो इस तरह दिखेगा, लेकिन इसका डिज़ाइन भी ऊपर की ओर फ्लैट ही रहता है। अब किसानों को ये करना है कि उन्हें अपने विकास खंड में जो उद्यान विभाग होता है, उद्यान विभाग का कार्यालय होता है, वहाँ पर जाएंगे और सेड हाउस या फिर पोली हाउस के लिए आवेदन देंगे। फिर वहाँ जो अधिकारी होंगे, आवेदन लेने के बाद में जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे आगे जो है बढ़ाएंगे। आप मुझे संपर्क मत कीजिएगा, मैं क्या है अपने ही विकास खंड के लोगों को ही यह योजना जो है उपलब्ध करा सकता हूँ। और जितने भी अलग अलग ज़िले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, वे किसान जिस ज़िले से संबंधित हैं उसी ज़िले के विकास खंड में जाके वहाँ के कार्यालय में उद्यान अधिकारियों से संपर्क करेंगे, तब जो है ये योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि अभी किसान जितना जल्दी करेंगे तो उनको जो है योजना का लाभ लेने के लिए, फ़ायदा मिलने के लिए टाइम रहेगा, लेट करेंगे तो फिर इससे वंचित रह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो योजनाएं हैं उसके लिए बहुत ही लिमिटेड अवसर रहते हैं। तो जितना जल्दी करेंगे मिलने का संभावना जो है, लाभ मिलने का संभावना उतना अधिक होगा।